नमस्कार किसान भाई साथियों, आज के धनौता मंडी से हम दोपहर बाद के बाजार की चाल जानेंगे। मनोज स्थिति आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी कि सुबह का बाजार और अभी दोपहर का बाजार हमें किस प्रकार का देखने को मिला है, तो स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले मंडी के अंदर बाहर की अगर बात करते हैं दोस्तों, मंडी के अंदर की तो गेट पर जाकर तो मैं गेट की स्थिति बताऊंगा देखो दोस्तों, लेकिन मंडी के अंदर की बात करते हैं तो सुबह जो आवक की रिपोर्ट दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि मंडी के अंदर थोड़ा माल सीमित दायरे के अंदर का खाली किया है, बाकी गेट पर आवक पूरी तरह से फुल थी। तो गेट की रिपोर्ट अब मैं जाकर आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन मंडी के अंदर की स्थिति बात करते हैं, जो मंडी का मेन फील्ड साइड है वो पूरी तरह से नीलामी कंप्लीटेड हो चुका है। मंडी का मेन फील्ड जो बिक चुका है दोस्तों पूरी तरह से, और अभी जो नीलामी चल रहा है दोनों शेडों के बीच में नीलामी कार्य चल रहा है। इसके बाद में जो नीलामी कार्य मंडी के अंदर चलेगा वो कैंटीन के पीछे वाला और डायरेक्टली इसके बाद में कैंटीन टंकी के पास वाले फील्ड साइड के अंदर, यानी कि दोस्तों आराम से मंडी बिक जाएगी आज पूरी तरह से आराम से, और भी टाइमिंग से पहले मंडी के अंदर बिक जाएगा क्योंकि माल मंडी के अंदर ज़्यादा नहीं था। जो मैंने आपको सुबह स्थिति बताई थी कि मंडी के अंदर उतनी आवक है, मंडी के अंदर कल के मुकाबले आज कम आवक देखने को मिली, लेकिन गेट पर आवक फुल थी, ये मैंने आपको स्थिति बताई थी सुबह ही आपको वीडियो के माध्यम से। तो मंडी के अंदर जो भी माल है वो आराम से बिक जाएगा पूरी तरह से, जो भी माल रात्रि में गेट खुले उसके बाद में जो मंडी के अंदर माल आया तो मंडी के अंदर की ये स्थिति हो गई कि मंडी के अंदर माल आराम से बिक जाएगा पूरी तरह से, बिल्कुल भी माल पेंडिंग रहेगा नहीं। अब दोस्तों बाजारों की बात करते हैं तो बाजार मैंने आपको सुबह में बताए थे कि बाजार सामान्य भी और 19-40 भी हमें देखने को मिल रही थी कहीं कहीं लोटों पर। दोस्तों दोपहर बाद में जो बाजार देखने को मिला वही बाजार है जो समान लोट भी बिक रहे हैं कुछ, और कहीं बाजार 19-50 पे भी लेवाली हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों ये वीडियो की पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, कहीं चाल 19 से कहीं बाजार समान। दोस्तों ये मंडी के अंदर की पूरी स्थिति हो गई, अब मैं आपको गेट की रिपोर्ट बता देना चाहूँगा कि गेट पर मंडी की क्या स्थिति देखने को मिली है। चलिए मंडी के गेट की ओर चलते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार जानकारी देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि दोस्तों आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोनों की स्थिति बता देता हूँ, कहाँ से लेकर कहाँ तक के लोट आज मंडी के अंदर बिक रहे हैं। अगर ऊँटी की बात करते हैं तो ऊँटी 6000 से लेकर 13000 के बीच में बिक रही है, स्पेशल माल 13 से ऊपर, और कहीं कहीं और आज मंडी के अंदर 19000 भी बिके हैं मंडी में। दोस्तों अब देसी की बात करते हैं तो देसी में 5000 से लेकर 10000 तक ये अमूमन चाल है मंडी के अंदर, बाकी स्पेशल क्वालिटियाँ हैं तो 10 से लेकर 11 के बीच में भी क्वालिटियाँ बिक रही हैं। ये मंडी की एक अनुमान स्थिति मैंने आपको बता दी, अब गेट पर चलते गेट की क्या स्थिति आज की देखने को मिली है। पसंद आए जानकारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय जवान जय किसान। दोस्तों अब गेट की स्थिति जानते हैं कि मंडी के गेट की आज की क्या रिपोर्ट है। तो लगभग 150 वाहन हमें कतारों में देखने को मिले हैं, लेकिन दोस्तों लगातार वाहनों की कतार अब बढ़ेगी इस टाइमिंग के बाद में, यानी कि अगर आपको टाइम बता दूं वाहनों की संख्या बढ़ने का तो वो अभी से यानी कि दोपहर बाद से लेकर शाम तक मंडी के अंदर काफ़ी तेज़ और काफ़ी स्पीड से वाहनों का प्रवेश होता है। जो गेट पर लगते हैं उन वाहनों की बात कर रहा हूं दोस्तों, काफ़ी तेज़ गति से आते हैं। अभी की अगर गेट पर बात करते हैं तो 150 वाहनों के आसपास, यानी कि 170 मान लीजिएगा, क्योंकि कतार काफ़ी लंबी है तो गिनना संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबी कतार दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मंडी के गेट की स्थिति और वाहन और भी आ ही रहे हैं और मंडी के गेट पर लग भी रहा है। दोस्तों ये वाहनों की कतार जो मैंने आपको बता दी है, मंडी के अंदर तो माल सारा बिक जाएगा रिपोर्ट मैंने आपको बताई है, और ये स्थिति है दोस्तों। लेकिन ये बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में कतारों की संख्या और भी मंडी के अंदर बढ़ सकती है। ये जो आपको अपडेट बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ये 3:10 के आसपास की स्थिति है, लेकिन शाम के टाइम में वाहन काफ़ी तेज़ गति से आते हैं, तो कोई रास्ते में होता है, कोई भरकर निकलता है तो शाम तक देरी तक पहुंचता है, तो और भी कतार मंडी के अंदर बढ़ सकती है। इनको जो मंडी के अंदर प्रवेश मिलेगा, मंडी के अंदर सारा माल इलाम होगा, तुलेगा और कंप्लीटेड होगा, मंडी खाली होगी, उसके बाद में गेट खुलेंगे तो उसके बाद में इन किसान भाइयों को मंडी के अंदर प्रवेश मिलेगा। दोस्तों ये गेट की स्थिति है, पसंद आई जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।